हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पांच पत्रा ब्लॉग्स। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक वॉशिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक। अभी हम आपको उसका पूरा मॉडल बताते हैं, फिर पूरा नाम बताते हैं। जो वॉशिंग मशीन का मॉडल है वो THD10SWPM मॉडल, और ये फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होने वाली है, और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा, ओनली 45,000। तो चलिए आपको हम इसके पूरा डेमो देते हैं। तो चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। देखो, ये टब है, इस टब के अंदर कपड़े आएंगे आपके, ठीक है। यहाँ आपका डिटर्जेंट पाउडर आएगा, पाउडर आपको उतना ही डालना है जितना सेमी में भी आप कपड़े डालने के बाद में एक मुट्ठी दो मुट्ठी डालते थे ना, उतनी डालनी है आपको। जितना जितने कपड़े हो उसके हिसाब से आपको एक स्पून दो स्पून पाउडर यहाँ डाल दो, इसको बंद कर दो, ठीक है। ये आपका बंद, पानी आपका वहाँ से हमेशा ऑन रहेगा। ये मैंने पानी कर दिया ऑन आपका, ठीक है। ये पानी आपको ऑन रहेगा, उसके बाद में आपने कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद में सर्फ डाला, सर्फ डालने के बाद मशीन ऑन की। ये यहाँ से मशीन ऑन होगी आपकी, मशीन ऑन होगी लेकिन अभी तक चलू नहीं होगी जब तक आप ये प्ले वाला बटन नहीं दबाओगे। ये मैं आपको सबसे पहले डायरेक्ट बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपको कोई फीचर सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। कोई भी सिस्टम यहाँ से एक बार प्ले कर दिया, प्ले करोगे आप, इसमें तीन प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले होता है वॉश, कपड़े वॉश करेगी सर्फ के पानी के साथ, फिर वो पानी ड्रेन कर देगी। सेकंड वो होगा रिंस, पहला होगा वॉश, उसका सिंबल ये रहा, रिंस और स्पिन, ये तीनों के सिंबल है। फिर आएगा रिंस, रिंस में नया पानी लेगी, नए पानी में निचोड़ेगी उनको, फिर वो ड्रेन कर देगी। फिर लास्ट होगा स्पिन, जिसमें उसमें हम ड्रायर बोलते थे जिसको, फिर ये आपका स्पिन करेगी, आपको सूखे कपड़े मिल जाएंगे। और टोटली जो टाइम होगा तीनों का वो आपको यहाँ पर पहले ही बता देगी, भाई मैं इतना टाइम लूँगी पानी भरने तक का भी, एक घंटे दो घंटे। जब लास्ट में पूरे जीरो हो जाएंगे या टाइम एक दो घंटे बाद में, तो बीप की आवाज़ आएगी, टूक 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 करके ऐसा कुछ आवाज़ आएगी, और आप खोलो, अभी लॉक हो जाती है, देखो चल रही है ना, तो लॉक हो गई ये मशीन। अगर आपने प्ले कर दी बीच में आप इसको खोल नहीं सकते, अगर आपको खोलना है तो यहाँ से पुश करो, पुश करने के बाद में ये अनलॉक होगा, यहाँ से अनलॉक हुआ फिर आप इसे खोल सकते हो। अगर कोई कपड़ा रह जाता है फिर आप इसको डाल सकते हो, फिर ये बंद किया फिर वापस प्ले कर दो इसको। ये तो रहा डायरेक्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, कपड़े डाले सर्फ डाला पानी ऑन है और प्ले कर दो एक बार, कपड़े आपको सूखे मिलेंगे। अब आ जाते हैं फीचर्स, टाइम ज़्यादा लगेगा आपका, जैसे कुछ कपड़े होते हैं ना, जैसे हम पहले वाले सेमी में क्या दो तीन राउंड नहीं घुमाते, एक राउंड हो गया फिर आप फिर राउंड घुमा देते थे, भाई एक राउंड और हो जाए, ऐसे ऑटोमेटिक वॉश में टाइम बढ़ जाएगा आपका। उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं, दबाया फीचर सेलेक्ट हुआ, हाईलाइट हो गया ये, फिर ये प्ले कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक वॉश चल रही है। फिर आ जाते हैं क्विक वॉश पे, क्विक वॉश इसलिए है, जैसे आपके पास चार से पांच ही कपड़े हैं तो आप हैंड वॉश भी कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे मशीन में करूँ, लेकिन आप मशीन में अगर चार से पांच कपड़े डाल के, जो पहले वाला मैंने बताया था डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट में अगर आप चलाओगे ना तो टाइम बढ़ जाएगा, मतलब वो 40 मिनट से ऊपर ही लेगी पाँच कपड़े में भी। तो आपको क्या करना है, क्विक वॉश सेलेक्ट करके चार से पाँच कपड़े डाल के प्ले कर देना है, उसके नाम से पता चल रहा है भाई क्विक वॉश जल्दी कर देगी, 5 से 6-10 कपड़े तक भी क्विक वॉश कर सकते हो आप। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाते हैं एलर्जी केयर, एलर्जी केयर सेलेक्ट करोगे, इसमें आपके हॉस्पिटलाइज कपड़े हैं, बेबी के बच्चे के कपड़े हैं, स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह, एलर्जी केयर में आप धोगे कपड़े डाल के प्ले करो, तीनों चीज़ें होगी वॉश रिंस और स्पिन, सुखा सूखे मिलेंगे आपको कपड़े। उसके बाद आ जाओ जेंटल में, 6 पंप्स नहीं है मैडम, 1, 2, 3, ये नॉर्मल वाला डायरेक्ट चलेगा जो सबसे पहले बताया था। ये जेंटल में आपकी वुलन और साड़ी है लिखा हुआ है इसमें, देखो वुलन के कपड़े और साड़ी, वुलन के कपड़े और साड़ी आपको वॉश करनी है तो इसमें वॉश करोगे आप। कोई उसको भी थोड़ी देर बाद कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से प्ले होगा, ये यहाँ से प्ले होता है। फिर आ जाते हैं इस वाले बटन पे, इस वाले बटन डाउनलोड साइकिल है, इसको अगर आप 3 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे, ये देखो दबा के रखो, तो एक फीचर आता है 3 मिनट का, ये होता है टब की क्लीनिंग। ये टब जो है ना मैम, ये सेमी की तरह नहीं है, ये है स्टेनलेस स्टील, तो इसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्या होता है ना, इसके अंदर मिट्टी फंस जाती है और इसमें कार्बन लग जाता है, तो कार्बन में से जंग लग जाता है, तो इसको उसके बचाने के लिए हर महीने के अंदर एक डी स्केलिंग पाउडर आता है, मेरे पास पड़ा है वो डी स्केलिंग पाउडर डाल के वहीं पर डाल के और इसे बंद करके और इसे प्ले करना पड़ेगा। 3 घंटे के लिए आपकी मशीन चलेगी और ये क्लीन कर देगी। 1 महीने में एक बार आपको करना है, चाहे 2-3 महीने में करो, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार आपको करना है, उसके बाद में 2-3 महीने में करो। ये तो हो गए सारे फंक्शन। अब आ जाओ तो स्टीम वाला, ये आपकी स्टीम वाली मशीन है, अगर सर्दियों के अंदर आप गर्म कपड़ों में धो गर्म पानी में भी धोना चाहते हो तो भी हो जाएगी। ये बटन है स्टीम लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करो तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगी, लेकिन स्टीम में आपको 10 से 12 कपड़े ही डालने हैं, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है आपको। स्टीम सेलेक्ट करके ये प्ले कर दो, आपके कपड़े गर्म पानी में धोएंगे। अगर कुछ ऐसे कपड़े हो ना जो आप चाहो भी गर्म पानी में धोना चाहें तो वो स्टीम होगा इसके अंदर, यहाँ से दबाया ये कर दिया। अब आ जाते हैं एक्वा रिजर्व। अब ये क्या है ना, इस मशीन के अंदर एक सिस्टम है, अगर आपने कोई कपड़े डाल दिए सर्फ डाल दिए
तो वो वाश हो गए, तो पानी अगर एक बार निकल जाएगा तो दोबारा सर्फ का पानी नहीं आएगा इसमें, आपको सूखे ही मिलेंगे कपड़े। तो सेमी में क्या होता था, हम एक बार धोने के बाद में उनको निचोड़ के निकाल देते थे, उसी पानी के अंदर हम लास्ट में पैरदान वगैरह या सॉक्स वगैरह डाल देते थे, भाई वो भी धुल जाए, वो इसमें नहीं कर सकते। तो इसके अंदर एक फीचर दिया है एक्वा रिजर्व। एक्वा रिजर्व के अंदर क्या होता है, आपने एक बार कपड़े डाले, मान लो पहले वाइट कपड़े डाल दिया आपने जिनको कम धोने की जरूरत होती है, वो डाल के उनको निकाल दिया, फिर जो पानी है ना वो बचता नहीं है, लेकिन एक्वा रिजर्व अगर सेलेक्ट करोगे ना तो वो कपड़े डाल के आपने निकाल दिए, वो पानी उसमें पड़ा रहेगा, ड्रेन नहीं होगा। वो दो बार चलती है मशीन, एक बार जब मैं एक बार निकाल दो वो कपड़े, दूसरे आपके पुराने कपड़े ज़्यादा हैं वो डाल के फिर वापस से प्ले कर दो, तो एक बार पानी को आप दो बार यूज़ कर सकते हो। वो एक बार रिजर्व में करोगे, बाकी किसी फंक्शन में नहीं होगा, बाकी सारा पानी निकाल देगी, एक बार रिजर्व में पानी रिजर्व रहेगा, सेकेंड राउंड में पूरा पानी निकाल देगी, फिर दोनों कपड़ों को इकट्ठे करके एक साथ में रिंस कर दो आप। ये तो हो गया छः के छः फंक्शन। नॉर्मल पे देखो, ये डायरेक्ट चलेगी, नॉर्मल पे चलेगी जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, कपड़े सर्फ पानी डाला, पानी ऑन है और प्ले करोगे तो नॉर्मल पे चलेगी। ये ऑटोमेटिक वॉश बताया मैंने आपको, टाइम ज़्यादा लेगी, क्विक वॉश बताया मैंने आपको, कम से कम कपड़े जल्दी टाइम में धोना है, एलर्जी केयर हॉस्पिटल वाले कपड़े बताए मैंने, ठीक है। फेवरेट कपड़े भी आएंगे आपके वाइट वाले, जेंटल में वूलन और साड़ी, ये वाला डाउनलोड साइकिल मैंने आपको बताया, 3 सेकंड तक प्रेस करके रखोगे तो ये टब की क्लीनिंग 1-2 महीने में एक बार आप कर लेना। एक बार जब बता दिया, स्टीम बता दिया मैंने आपको गर्म पानी में। अब क्या होता है ना, इसके अंदर आप कभी भी कपड़े धोओगे प्ले करोगे तो तीनों चीज़ें साथ होती है, वाश, रिंस और स्पिन। लेकिन आप चाहते हो मुझे सिर्फ स्पिन करने हैं, खाली सुखाने, तो उसके लिए फंक्शन है ये वाला, स्पिन लिखा हुआ है, देखो यहाँ वाश लिखा हुआ है, ये रिंस लिखा हुआ है, ये स्पिन लिखा हुआ है। आपने स्पिन दबाया, अब स्पिन 5 मिनट 6 मिनट बढ़ा सकते हो, 7 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये पॉइंट ऊपर तक चला गया फिर नीचे आ जाएगा, बंद हो जाएगा, ये 7 मिनट हो गया, प्ले कर दो तो ये 16 मिनट का लग जाएगा। इसके अंदर कपड़े डालो, जितने ज़्यादा कपड़े होंगे टाइम बढ़ता रहेगा आपका, तो ये सिर्फ सुखाने के लिए स्पिन यहाँ से करोगे। वैसे अगर आपने बाहर से सर्फ से कपड़े धो लिए हैं, आपको सिर्फ रिंस करनी है, तो ये रिंस का बटन है, इसमें रिंस वाले में जाओ, 5 बार। लेकिन रिंस के साथ में देखो स्पिन की भी है ना हाईलाइट हो रहा है, स्पिन भी साथ चल रहा है, अगर रिंस करोगे तो स्पिन भी करोगे साथ में, तो प्ले कर दो, दोनों साथ में हो जाएंगे। एक इसमें अलार्म लगता है, आप चाहो तो इसमें अलार्म भी लगा सकते हो, लेकिन आपको अभी यूज़ नहीं करोगे, बता देता हूँ आपको। ये 3 घंटे का स्टार्ट होता है अलार्म, 3 से लेकर 18 घंटे तक लगा सकते हो, जैसे अभी 4 बज रहे हैं, मैंने 5 घंटे का इसमें अलार्म लगाया तो 9 बजे तक का अलार्म लग गया, 4 से 5 लगाया, 5 घंटे प्लस 9 बजे तक का लग गया ना, तो ये 8 बजे आपकी मशीन स्टार्ट होगी। लास्ट का जो 1 आवर बचता है ना, 1 घंटा जो लास्ट का बचता है ना, उसमें ये चलेगी, 4 घंटे नहीं चलेगी। वो उनके लिए होता है, जैसे काफ़ी जनों का पानी 6 बजे आता है, वो रहते हैं ऑफिस, वो क्या करते हैं सुबह ऑफिस जाते समय ना इसको टाइम लगा के चले जाते हैं, 6 बजे मेरा पानी आएगा उस टाइम ये ऑन हो जाए और मेरे कपड़े धुल जाए, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, मैं भी फीचर्स पे आप मत जाओ, आप ये कभी यूज नहीं करोगे, आपने बस कपड़े डालने, सर्फ डाला, पानी हमेशा ऑन रहेगा, और ये वाला बटन दबाना एक बार आपने।